बीते 15 दिनों से मुंबई के आज़ाद मैदान में एसटी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो ये कि एसटी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनका विलयीकरण हो, यानी कि मर्जर हो स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि जो सारी सुख सुविधाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है वो इन्हें भी मिले। इस पूरे आंदोलन को शुरुआत से ही अपना समर्थन दे रहे किसान नेता सदाभाव कोट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि पहला सवाल यही है कि 15 दिन हो गया, अब तक कुछ नतीजा जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं उस तरीके से तो निकला नहीं है, क्या कहेंगे इस वो सरकार के मन में खोट है। वो सरकार मीडिया के सामने एक बात करते हैं और हम जब जाते हैं तब अलग बात करते हैं, और हम चर्चा करके बाहर आते तब एक परिपत्रक जारी करते हैं, वो ऐसा चर्चा हुआ, अच्छी हुआ, समाधान व्यक्त किया। हमारा मांग ये है कि विलयीकरण किया है, आप विलयीकरण करो। ये मांग इस मजदूरों की बहुत दिनों की है। अभी दीपावली के टाइम पे 35 कर्मचारियों ने खुदकुशी की है, अभी भी खुदकुशियाँ हो रही है, अभी लोग आग लगा के खुद को जला रही है, तो भी सरकार सुनना नहीं चाहती। 2000 के ऊपर कर्मचारियों को निलंबित किया है, निलंबन का नोटिस कई कर्मचारियों को मिला, उस कर्मचारियों ने भी खुदकुशी की है। मग सरकार कब उनका जो मांग है मांग पर विचार करेगी, कब फैसला करेगी? सरकार को ऐसा लग रहा है ये जो कर्मचारी लोग है ये हमारे गुलाम है, छेड़ छावनी जैसी रहते हैं वैसा अन्याय उनको ऊपर इस महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। शिवसेना बोल रही थी हम मराठी लोगों की ये सेना है, मराठी लोगों का सम्मान रखने वाली हमारी सेना है। आज मराठी आदमी, मराठी लोग, मराठी कर्मचारी आज मर रहे हैं, तब मराठी बहाना कहाँ गया? ये सवाल मैं आपके माध्यम से उनको करता हूँ। सर आपने पहले ही सवालों में बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया, एक एक करके आता हूँ मैं। सबसे पहले आज का जो प्रमुख घटना है, मंत्रालय के सामने कुछ महिला कर्मचारियों ने जो है वो एक आत्मघाती प्रयत्न किया, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, क्या है वो पालघर में भी कल ये ऐसी घटना हुई, आज मंत्रालय के सामने हुई, आपके माध्यम से मुझे जो घटना का सब दायरा था वो मालूम पड़ा। क्या है कि उनके मन में असंतोष बहुत हुआ है, अभी ये कोई निर्णय नहीं होगा ना तो आत्महत्या का सत्र ये महाराष्ट्र में इस कर्मचारी का बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम का सरकार को कह रहे हैं कि वो सम्मानजनक जो प्रस्ताव है वो तैयार करके हमें भेज दो। दूसरी यह बात है कि वो जो समिति है कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे, लेकिन ये जो समिति है ना वो समिति कामगारों के खिलाफ रिपोर्ट देने वाली समिति है। जो अधिकारी मंत्रालय में बैठ के इस कामगार के बारे में कोई अच्छा 50 साल में सोचा नहीं, तो ये वाल्या के वाल्मीक कैसे बनेंगे? यह तो खुद वाल्या है, वो उनको न्याय नहीं दे सकते। इसलिए इस समिति पर कर्मचारियों का भरोसा नहीं है, जो मिलेगा तो आज ही मिलना चाहिए और हम लेके ही जाएंगे, मरेंगे लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, ऐसा पक्का वादा सर्म कर्मचारियों ने किया है। सर आप आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन राज्य सरकार तो निलंबित कर रही है, करीबन 2000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो निलंबित हो गए हैं, तो क्या उनके निलंब को वापस लेने के लिए कुछ मांग की जाएगी आप लोगों की तरफ से? ये मराठी बांधवों का महाराष्ट्र में यह बहुत बड़ा अपमान है। ये बोलते हम रोजगार देने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, ये रोजगार छीनने वाले हैं, तो उसके खिलाफ वो जितना ज़्यादा कार्रवाई करेंगे उतना ज़्यादा जोर से वो सब कामगार रोड पे आ जाएगा। सर एक अंतिम सवाल ये कि प्रमुख तौर पे बताइएगा कि आज का क्या प्रोग्राम है? खबर ये थी कि आप लोग सह्याद्री जाने वाले हैं, परिवहन मंत्री से मिलेंगे, फिर ये भी आई कि कुछ फिक्स नहीं है, अब से कुछ ही देर में खबर ये है कि जो आशीष शेलार हैं बीजेपी के नेता वो मिलने आने वाले हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा पूरा प्रदर्शन? अभी प्रदर्शन चलता रहेगा, जो हमारा प्रोग्राम है मैं बताता हूँ। आज हम राज्यपाल को मिलने का उनका समय मांगा है, देवेंद्र फडणवीस का समय मांगा है,
वो दोनों में जिसका समय मिलेगा उसका वो उसको मिलने के लिए हम जाएंगे। कल कार्तिकी एकादशी है, सब कर्मचारी उपवास करेंगे, विठ्ठल का भजन होगा, उनका प्रतिमा का पूजन होगा, कल रात्र वहाँ कीर्तन होगा और मंगलवार को महाराष्ट्र के सर्व कर्मचारी एसटी डेपो के बाहर काली निशाने दिखाएंगे और निदर्शन करेंगे। हम भी यहाँ काली निशाने देखेंगे और कल महाराष्ट्र के डेपो के बाहर पांडुरंग का प्रतिमा का पूजन होगा और वहाँ भी भजन होगा। तो ये थे सदाभाऊ कोर्ट जिनको आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि इनका प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज इन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, उसके बाद जो फडणवीस हैं उनसे मिलने का इन्होंने समय मांगा है, कल ये क्या करेंगे, कल ये करेंगे कि एकादशी है, एकादशी का व्रत रखेंगे, उसके बाद काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सदाभाऊ का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा, ऐसे में सरकार को तय करना है कि ये प्रदर्शन कब ख़त्म करे। कैमरामैन अनूप के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP News आपको रखे आगे।